बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस का सिलसिला हमने शुरू किया है और क्लास सिक्स जनरल साइंस बुक को मैंने शुरू किया हुआ है। आज इसी बुक में यूनिट नंबर 10 शुरू करते हैं और जिस ये ट्रायर ऑफ नॉलेज फोर्थ एडिशन बुक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 बिटारी सीरीज और यूनिट का नाम है मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अ रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अदर मैग्नेट्स आर मैग्नेटिक मटीरियल इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये आपके पास मैग्नेट है और ये जहां तक काम करता है, सपोज यहां तक ये इस तरह काम करता है, यानी चीजों को खींचता है, तो दिस इज ये रीजन क्या कहलाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, जो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो लाइंस है, इस तरह जो सर्कल है, ये लाइंस ये इनविजिबल है, ये नजर नहीं आते हैं, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड कंपास। देखिए यही क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, औजार आला, दैट इज कॉल्ड कंपास। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, 4 नंबर क्वेश्चन को, हाउ मेनी पोल्स आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेट? मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ अक्सर बोला जाता है, पहले नॉर्थ को अपने बोलना है फिर साउथ। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, दिस वन। तो 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेट? मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर क्वेश्चन को, द मैग्नेटिक पोल्स लाइन पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये याद रखे, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जिस तरह हम बोलते हैं, पहले नॉर्थ को बोलते हैं फिर साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीम टू ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहां से ओरिजिनेट होते हैं? तो नॉर्थ अभी आपको मैंने बताया ना, पहले नॉर्थ को बोलना है, तो फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीम टू एंड इन टू द साउथ पोल। तो जो ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से, तो साउथ पर एंड होते हैं, ऑप्शन बी है, इट सीम्स। अब देखिए अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ एक्स एज अ जीएंट, जी आई ए एंट, अजीम, बहुत बड़ा मैग्नेट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वी आर द मैग्नेटिक पावर ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज मोस्ट पावरफुल, सेंटर पर ये बहुत पावरफुल होता है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज को, ऑप्शन ए देखिए, एट सेंटर, एट सेंटर, ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ मैग्नेट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्स? अर्थ के
मैग्नेट के कौन से पोल, इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। ऑप्शन ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल द मैग्नेट्स अलाइन विद, ऑल जो बहुत सारे मैग्नेट होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, किस तरफ अलाइन होते हैं वो, विद अर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, इफ यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय थ्रेड हाउ इट विल बी अलाइन, अगर आप मैग्नेटिस को तार धागे से सस्पेंड कर ले, लटका ले, तो वो किस तरह अलाइन होगा, नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को, द पोल ऑफ द मैग्नेट डेट पॉइंट्स टू वर्ल्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड वट, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट वायर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस, एक सीधी तार से अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को गुजारे तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो चूंकि सर्कल वो स्ट्रेट है तो सर्कुलर क्रिएट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सर्कल्स विद कॉमन सेंटर, इलेक्ट्रिक सर्कल विद कॉमन सेंटर, वायर तार कैरिंग करंट, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखे, 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इफ वी गेट क्लोज टू द इलेक्ट्रिक वायर, जब हम करीब जाते हैं तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका वो इंक्रीज होगा उसकी, ऑप्शन ए करेक्ट, इट विल इंक्रीज, अब जब हम दूर जाते हैं तो डेट विल डिक्रीज, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखे, What will happen to magnetic field of electric wire if we move away from the electric wire? It will decrease. Option B is the correct option. और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following wire have no magnetic field? No magnetic field, जिसमें current ना हो, जिस wire में, wire having no current flow. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो ये हो गया दोस्तों आज का पार्ट, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।